हेलो 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 गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये है वीरे दी वेडिंग ब्लॉग पार्ट 3। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यूट्यूब में कुछ ग्लिच होने के कारण मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस कई लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार रीचेक कर लो कि आपने बेल आइकन प्रेस किया है कि नहीं, और अगर बेल आइकन प्रेस है तो उसको ऑल पे कर दो। सेकंड चीज, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। हम जा रहे हैं पढ़ने कुछ भी हम जा रहे हैं कोशी में नहाने। इससे पहले भी मैं कोशी में गया था, बट हम तब वीडियो शूट करने गए थे, नहाने गए थे। मुझे लगा था शायद नहीं पाऊंगा, बट इस बार हम कोशी में नहा रहे हैं। अब सर्दियों का टाइम, बहुत ठंडा पानी है। ये आपको हर वीडियो में दिखेगा ये करते हुए। हम नदी पहुंच चुके हैं और अभी नहाने की तैयारी हो रही है। ये केले लेके आए हैं, पहले केले खा रहे हैं। पिकनिक स्पॉट बना रखा है। अरे ये स्विमिंग पूल है, इसमें बाल्टी डालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट जाओ ना। गया गाइस, हम नहा चुके हैं और मैं नहा चुका हूँ और ये लोग अभी नहा रहे हैं। ये देखिए, इनका फोटो शूट चल रहा है। मैं भी छोड़ा के फोटो खींच, फोटो खींच। और यहाँ पीछे इनका चल रहा है फोटो। पैर जाते हैं अपने। मिस्टर मिस्टर देख रहे हो आप कितनी तगड़ी आंख। ये देखिए जंगल में कैसे आग लगती है। ये जंगल में आग लगी है। अरुण को गाड़ी बंद कर रखा है। अरुण यहीं से वापस। ओ गाइस, इन्होंने जबरदस्ती ब्लॉग बनवाया। मैं ब्लॉग बना रहा था, इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी है कैमरे के पीछे। दिल्ली से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम कर। A few moments later. उत्तराखंड आते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। गौरा वौरा में आटा गूंथते हैं। ये देखिए, एक बंदा सिर्फ, ये इतने अमीर लोग हैं, एक बंदा सिर्फ पानी डालने के लिए रखा हुआ है। 2000 years later. गाइस ये आसान काम नहीं है, बहुत देर से लगे हुए हम जाके आटा गूंथते हैं और अभी भी लगे हुए हैं काम में। सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। विनोद कैसा लग रहा है, परसों तो शादी हो जाएगी। अभी तो कुछ नहीं पता लग रहा है, कल शादी आ जाएगी यार। अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा। ये रेड मारी गई है, कह रहा हूँ। जवान थोड़ी स्लिप हो गई, स्लिप स्टार्टिंग से एंडिंग में पहुंच गया। पत्ते लेने आए हैं, ये रेनू पत्ते ले लिए पेड़ों चढ़ के। टैलेंट पे नहीं चढ़ती वैसे, वो ना मैं भाई के लिए चढ़ गई। मैंने कहा ओह, हमें किसी रस्म वसम के लिए चाहिए। और ये गाय का गोबर, क्या ये गाय का गोबर। शादी वाला गेट तैयारियां होते हुए। ये सब वेले लोग बहुत काम कर रहा है। शादी की तैयारियां ऑन हाइट्स, सब सही चल रहा है फिलहाल तो। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आज व्लॉगर है लक्की। रहना अच्छा महीना क्या।
तेनु टच कर मिठा मिठा मुंडे नु सरूर हो गया अच्छे मुंडे आना लड़दा मैं एक बार ला रहा हूँ स्पेशली इनको जाना चाहिए पानी लाओ भाई तुम छोटी चीजों को नजर नहीं आ रहा तू गाइस मेरे साथ एक ऐसा बंदा है जो बहुत बिजी इंसान है, उसको अम्बानी से भी ज्यादा काम है और वो ओए मेहनती लड़के धन्यवाद बोल क्या लोगे सर क्या लोगे क्या दोगे क्या क्या दोगे 150 रुपया देगा अरुण कैसा लग रहा है बैंड का सीन नीचे मजा आ रहा है 50 लाख रुपए मिलने वाले मेरे को इससे और नितिन भाई ने ऐसा बोला मेरे को नहीं मिलेंगे तो मैं बोल दूंगा इस ब्लॉग में मैंने निभाया है करके दिखाया है ले तेरी बारी एक बारी तू भी प्यार तू भी प्यार निभा यारा तेरा कोई ना मुमकिन नहीं न मेरा काम मुझको तू पास कैसा फील कर रहा है पहुंच चुका है यहाँ पर अभी तो कोमा जैसा लग रहा है पहले मेरा ये दिखा भाई तुमको पता से यार पहाड़ा बड़ी ये हम सबके हाथ में दिखा हुआ है विनोद ये क्या है ड्रेस कोड ये कोड है इसके बिना एंटर नहीं करवाएंगे कैसा फील हो रहा है कुछ ही देर बची है शादी होने में वही समझ अभी कुछ पता नहीं चला एक मोड़ आया मैं उतर
दिल छोड़ आया। कुछ गिरा है, कुछ गिरा है, पैसे अभी कैसा लगा? अभी गिरने भी शर्म आऊंगी। कैसा लगा पानी? कैसा लगा पानी? कुछ इसके शादी का मुद्दा भी तो नहीं उतरा। ओ दादी ओ ज्योति। शादी के अगले दिन हलवाई नहीं है हमारे पास, तो हमने अपने घर वालों को हलवाई बना दिया। घर के हलवाई, ये हमारी काम वाली बावर्ची है। कैसी रोटी बना रही हो अभी? सो गाइस, यहाँ चल रहा है मैच, क्रिकेट मैच, और हम लोग दिल्ली फरीदाबाद आमडंडा से आए हैं। सोच रहा जिन लोगों से मैच खेलने का, देखते क्या होता है। हिमाचल में नहीं, हम हिमाचल में। ये हम, हमारा स्टेडियम देखो कहाँ पर है। ये है कुछ ऐसा व्यू, और हमारे प्लेयर, आज के हमारे प्लेयर वो लगा हुआ है पर मैच चाय पीते हुए। एक लेवल में एक बार खेल मार ले, चाय मार दे ना, वो मार दे, क्या तो चाय शादी के बाद बनाया। एक पतीला भर के मैगी, पतीले के अंदर मैगी, ओए एक बार पतीले दिखा, पतीले में मैगी और बाहर मैगी। वो लेके आए तवा, वो लेके आए बनाने वाले के हाथ कटवा दो भैया, ये भी ढक्कन पे खा रहे भाई। मैंने सारे बर्तन धोए हैं मैंने भाई, मेरा भी दिखाओ। हमारी थाली में खा रहे हैं, तुम थाली में खा रहे हो, हम बड़े लोग। हाँ चाय आ रही है, चाय आ रही है ब्रो। ये है एक स्पेशल चीज, चने और तीन से मैं तीन। तो गाइस शादी वादी निपटा के फाइनली अब हम फ्री हो चुके हैं। कल भी मजे कर लिए और आज हम आए हैं आमडंडा, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। ये मेरी नानी का घर है और अभी हम रास्ते में हैं, ठीक है। ये रहा अमन, अमन हेलो, ए साहिल। बहुत ठंड हो रही है, मस्त मस्त मौसम हो रखा है। ये है यहाँ का जंगल और जंगल में है हमारा गांव। ये है मेरा नानी हाउस, मतलब अभी आने वाला है, आया नहीं है। और अभी हम हैं जंगल में, और यहाँ पर रात को शेर भी आते हैं। हमें दिखा एक बार, ये देखिए
यहाँ पे शेर भी आते हैं, बहुत बार शेर के पंजे भी दिखते हैं यहाँ पर। और मेरी मम्मी बचपन से यहीं रही है तो बताती हैं यहाँ की बहुत सारी स्टोरी। ये लोग इतने आगे निकल चुके हैं और अब तो ऐसे भी गाँव आ गया है, अगर आपको दिख रहा हो वीडियो में थोड़ा थोड़ा। तो गाइस आप लोगों को लगता हो ना व्लॉगिंग करना बहुत इजी है, तो जरा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। मेरी पीठ पे भी बैग, हाथ में भी इतना बड़ा बैग, उसके बाद ये फ़ोन हैंडल करके चलना बिल्कुल भी इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी। पता है एक चीज़ और बताऊँ, क्या बोलते हैं यार, अभी तो मेरे को हैबिट नहीं पड़ी इस फ़ोन की। एक चीज़ और कि ना इस बार ना शादी चक्कर में मैं कुछ भी ढंग से शूट नहीं कर पाया, बस शूट कर रहा हूँ मतलब कुछ भी ना सीक्वेंस में नहीं कर पाया। मुझे पता है मुझे एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बट कोई बात नहीं, बट व्लॉग मैं बहुत टाइम लगा के एडिट करूँगा ताकि अच्छा बने। और जब भी आप व्लॉग देखो ना तो जहाँ पर भी ये वीडियो आए उसी टाइम लाइक कर देना, कमेंट में बताना आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है, ठीक है? बहुत मेहनत लगती है भाई, और इस बार तो खासकर बहुत ज़्यादा काम किया मैंने, हद से ज़्यादा काम किया शादी में, तो उसके बीच में वीडियोज शूट करना आसान बात नहीं है। चलो गांव आ गया, दिखा दो तुम्हें। पता है एक चीज़ और कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे नानी को नहीं पता और वो मुझे देख के बहुत खुश हो जाएंगे, तो मैं दिखाता हूँ उनका रिएक्शन क्या है। तो चलते हैं। ये है नानी के घर के आगे का सीन, और यहाँ पे ना गर्मियों के टाइम पे पानी भरा था पूरे में, यहाँ पे पानी भरा था और यहाँ पे भैंसे नहाती है। और एक बार क्या होता है कि हम ना वहाँ से आ रहे थे, वो दिख रहा हो रास्ता जो लकड़ी के बड़े हैं, वहाँ से आ रहे थे अपने मामा के साथ रात को, तो मामा ने बोला हिरन देखने हैं। मामा ने एकदम से बाइक की लाइट ना इस साइड करी, जैसे ही इस साइड करी इधर हिरन ही हिरन, हिरन ही हिरन, बहुत सारे हिरन, हम देख के रन घर के बाहर हिरन। तो नानी के घर से हम आ चुके हैं और अब मन को कुछ काम है रामनगर में, जो यहाँ की मार्केट है, बच्चों का रिजल्ट लेना है, इसके छोटे जो भाई बहन है ना उनका रिजल्ट लेना है, तो हम जा रहे हैं रामनगर। तो ये है रास्ता, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हमने उनको पैसे भी नहीं दिए, सिर्फ थैंक यू बोला। तो यहाँ पे ऐसा होता है जो जंगल सफारी वाले ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क वाले, तो हम गांव के जो लोकल लोग होते हैं, गांव के लोकल लोगों को ऐसे ही बाजार से यहाँ तक छोड़ देते हैं फ्री में। दिल्ली की तरह नहीं है कि हर चीज़ पैसे पैसे पैसे। अब ये लोग खाली गाड़ी यहाँ तक ऊपर ला रहे हैं, ठीक है? तो इनका इनको पता है कि कुछ नहीं जा रहा है, इनका गाड़ी तो ऊपर जा ही रही है, तो अगर कोई इनको हाथ दे के रोकता तो ये रुक जाते हैं। तो हमने रोका उनको और वो रुक गए, हम आ गए। तो गाइस अभी अभी मैं और अमन मार्केट से आया और हम लोगों को एक सरप्राइज मिल गया। ये वीरेंद्र वहाँ था ना दादी के वहाँ पर अमेल में, और यहाँ टपक गए। देखो ये यहाँ लेट पड़ा है। नानी के घर पे आती मेरा फेवरेट फूड येलो राइस, मेरे फेवरेट है हाँ, नमकीन चावल खिचड़ी। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। हम लोग बस में बैठ चुके हैं, मेरा साहिल, मेरा वीरेंद्र, इसने मास्क पहना हुआ है। और ना बस में तो कैसी फीलिंग आ रही है, जैसे हम स्कूल में फिलहाल तो आप
क्या है जैसे हम स्कूल में पिकनिक पे आते थे ना और पिकनिक वाला माहौल होता था और ये रहे वेफर्स और इस बैग में वेफर्स ही वेफर्स पड़े पड़े हैं दिखाइए मुझे एक बार पूरे बैग में चीज भर रखी है इतना लंबा हाथ है नहीं चीज भर रखी है इतना लंबा हाथ है उतने यहाँ पर साहिल तू बता अपना एक्सपीरियंस शादी का मेरा शादी का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा रहा तेज बोल अब मैं भी शादी करना चाहता हूँ पहाड़ों सो गाइज कैसा लगा आपका व्लॉग होप अच्छा लगा और आपने बहुत इंजॉय करा हो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसको देख लो और एक रिक्वेस्ट और है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट बताओ वीडियो को शेयर करो अपने पहाड़ी दोस्तों के साथ दगड़ियों के साथ और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके थैंक यू सो मच पीस